या भैया भैया माननीय राज्यपाल जी, और आज हम गर्व करते हैं, मैंने ऐतिहासिक दिवस कहा, हमारे प्रदेश के चार विश्वविद्यालय नेक्स्ट प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, शिक्षा जगत यहाँ पर है। मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे चार विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरुआत की A++ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बात आती है गुणवत्ता की, बात आती है हमारे क्वालिटी की, हमारे छात्र किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हमारे शिक्षक किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व किस तरह से कार्य कर रहा है, दैट थिंग इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेट कर्मण्येवाधिकारस्य से माफलेषु कदाचन, फलकी हमें हम पश्चिम में जाएंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ A+, बगल में जाएंगे हमारा रोहिलखंड विश्वविद्यालय A++। ये A++ हमारी गुणता है, हमारी गुणवत्ता है, हमारी क्वालिटी की बात है, हमारे प्रयास हैं, वह सोच जिसकी मैंने बात की पहले उसका यह परिणाम है। इस ट्रांसपेरेंसी वाले ऑर्डर से अनुभव हमें हुआ है। इसकी शुरुआत जब भी तक नेट मूल्यांकन ऐसी चर्चा करें, एक्सपर्ट्स आ जाए, नेट के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, माननीय कुलाधिपति जी ने निर्णय किया कि हमारी टीम नेट में जाकर देखकर कुलपतिगण वहां पर जाए, कैसे प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन कैसे होता है, पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स हमें मालूम है पर प्रैक्टिकली वह कार्य कैसे होता है वहां पर हमें देखना चाहिए। टीम के साथ में परिषद में बेंगलोर में नैक के कार्यालय में अधिकारियों के साथ में चिंतन बैठक की और काफी एक बार नहीं दो बार जाने का चर्चाएं हुई, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इससे हमारा यह नए मंथन जो मैं गत वर्ष की बात कर रहा हूं, हमने जो परिणाम की बात की, हम कभी बी ग्रेड पर थे, हम कभी बी प्लस से आगे की सोच हमारी कल्पना भी नहीं थी। उपक्रम QS रैंकिंग की बात, NIRF रैंकिंग की बात, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में पूरे कैबिनेट के माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे और इस उपक्रम सेंटर केंद्र की स्थापना करने के लिए 100-200 लोगों की एक टीम है। मित्रों, क्या फिजिक्स सिखाने वाला खेल का आयोजन नहीं कर सकता है? क्या मैथमेटिक्स सिखाने वाला खेल का आयोजन नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है मित्रों, यदि वो करना चाहता है तो। आपको ये पता लगा होगा कि एक साथ दीक्षांत भी कर सकते हैं, एक साथ उसके साथ साथ हम खेल का आयोजन भी कर सकते हैं, हम कहीं टूर में भी बच्चों को ले जा सकते हैं, कई प्रकार के काम साथ साथ में पैरेलल चलते हैं। और इस चलते सभी हमारे विषय को अभिनंदन करती हूँ, विरोध नहीं किया आप सब लोगों ने, नहीं तो 8-10 आ जाते थे। अरे क्या आप कर रहे हो राजभवन पे। दूसरा, योगा 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 पूरा विश्व कर रहा है, तो पहली बार हम लोगों ने ये सोचा कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में क्या करें। आश्चर्य मेरे लिए था कि जब आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के योगा का आयोजन किया और कभी कोई बच्चा सिखा नहीं है कि पानी में भी हम योगा कर सकते हैं, ऐसे 20-25 बच्चे को तैयार करना और पानी में अंडर वाटर योगा करना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मित्रों, एक ताकत है हमारे स्टूडेंट्स में, लेकिन हम इसकी ताकत को पहचानते नहीं। तैयार हुई है बच्चे कि हमें करना है, वो चाहता है कुछ नया करना, नया क्या करना वो ही आपको तैयारी करना, इसकी आपको तैयारी करना है। कोई पहाड़ पर जाकर योगा करके आए, कोई हिमालय की पहाड़ी में जाकर करके आए। अब यूपी में आगे के लिए क्या क्या आप कर रहे हैं? ऐसा है कि योगी जी के राज्य से पहले शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया था, पूरा ढांचा बिगड़ गया था, लेकिन माननीय कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी के नेतृत्व में
और योगी जी के सहयोग से शिक्षा का उत्तर प्रदेश में स्तर उठ रहा है और एक परसेप्शन भी बनता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है और सुविधाजनक हो रहा है। इसी में एक मंथन यहाँ पे कार्यक्रम है जिसमें जिस तरह पिछले दिनों नैक उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय, 1 मेडिकल विश्वविद्यालय, इस तरह 5 निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस आए हैं, इससे पहले बी प्लस में भी कोई, अब NRIF में यानी विश्व स्तर एशिया स्तर पर भी हमारे विश्वविद्यालय रैंकिंग प्राप्त करें उसके लिए मंथन है। यहाँ पर मनन होगा, चिंतन होगा, फिर मंथन हो रहा है और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका समाज में लिखा शिक्षा का इच्छा रहे उसको ठीक करने के लिए आगे और कुछ आप लोगों के वो है जो शिक्षा का स्तर है उसको आगे और यह जो मंथन है वो इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर बहुत बिगड़ा हुआ था अब सुधर रहा है और काफ़ी उच्च स्तर बढ़ गया है, बल्कि कई राज्यों से अब अच्छा हो चुका है। मैंने जैसा आपको बताया कि नेट में ए डबल प्लस 4 विश्वविद्यालय और 1 मेडिकल विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, 5 निजी विश्वविद्यालय, इससे पहले कभी नहीं रहा। इसी तरह जब मंथन में यही होने वाला है कि विश्व स्तरीय और एशिया स्तरीय की रैंकिंग कैसे प्राप्त करें, जब रैंकिंग प्राप्त करने की योजना बनेगी तो निश्चित रूप से स्तर उठाएगा तब योजना बनेगी।